अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान। और जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना जो नई सुबह होती है उसमें काफ़ी मेहमान होते हैं जो न्यू टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी होते हैं, काफ़ी उनका ताल्लुक जो होता है टिकटॉक की एक दुनिया से है। टिकटॉक में एक ऐप नहीं दुनिया कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ सेट कर ली है। कोई कहाँ पहुँच गया है, कोई कहाँ पहुँच गया है। तो ऐसे ही आज के जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी ताल्लुक कोई टिकटॉक की ऐप से है, टिकटॉक की दुनिया से है। सबसे पहले तो कराऊँ तारुफ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनका तारुफ बिल्कुल कराऊँगी और भरपूर तरीके से करवाऊँगी। कि वेलकम करते हैं अपने शो पे नुशाद बलोच जमील सोलंगी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप नाश्ता किया है? बिल्कुल किया है, पर आपकी वजह से। नाश्ते के बाद बबल कौन खाता है? ये बात भी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोला। ऐसी बात करते चोमी। कौन खाता है बबल? ये नुशाद बलोच खाता है। नुशाद बलोच खाता है, बिल्कुल ऐसा ही ना। बिल्कुल। जमील कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मजे में हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो इस टाइम? मैं डहरकी से। डहरकी से आप कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद। साथ ही आए वैसे तो? वैसे तो साथ आए, बस बेसिकली मैं डहरकी से हूँ। डहरकी से? आपको पता है डहरकी उबाड़ो मेरा बहुत प्यारा गांव है। बिल्कुल हमसाया। मुझे अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार है, गांव से बहुत मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल। जब मुझे जाती हैं आप? वैसे मैंने देखी नहीं आपकी वीडियोस कभी। नहीं मैं जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लास्ट टाइम आई हुई थी, एंग्रो गई हुई थी। हाँ एंग्रो आई हुई थी, एंग्रो की वीडियो सब ने कमेंट किया था, एंग्रो एंग्रो। ऐसे ही डहर की उबाड़ो बहुत कम जाना होता है, लेकिन जब जाते हैं तो स्टे करते हैं वहाँ काफ़ी टाइम। इत्तेफाकन डहर की में मुलाकात नहीं हुई, कराची में हो गई। ऐसे ही है, नसीब की बात होती है। बिल्कुल। नुशाद टिकटॉक क्यों बनाते हो? ऐसे ही बस मज़े के लिए, बस क्या करें। कब से बना रहे हैं? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एक साल हो गया है। एक साल में कितनी फॉलोअरशिप गेन की आपने? 20K अभी तो हो गई है। हाँ ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, शौक किया तो कभी कभी बनाते हैं, कभी बनाता हूँ इस वजह से। टिकटॉक का शौक किसको देख के हुआ था? खुद ही बस ऐसे ही, तो ऐप था एक टिकटॉक, तो ऐसे ही बस बना ली। जमील आपको किसको देख के हुआ? मेरा एक शौक था कि मैं पहले टिकटॉक पे थोड़ा फेमस हूँ, उसके बाद व्लॉगिंग करनी है। अच्छा। स्टार्ट टिकटॉक से लिया है, इंशाल्लाह 10K फॉलोअर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट व्लॉग की तरफ आ रहे हैं अभी नेक्स्ट। तो उस वजह से ही शौक चढ़ा मैं भी टिकटॉक का। व्लॉगिंग करेंगे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है व्लॉगिंग है। मतलब आपको यूट्यूबर भी बनना है इंशाल्लाह। व्लॉग किस चीज़ के बनाया करेंगे, जिंदगी पर या लोगों की जिंदगी पर? बाइक पर। नहीं यार अपनी जिंदगी पर। जैसे निशांत बाइक का जिक्र करते हैं, बाइक क्योंकि हाँ आप चलाती हैं ना, इस वजह से। वो जब स्टार्ट करेंगे फिर सोचेंगे। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, आपको ख़ास ख़ास अपडेट देती चलूँ, बाइक से मुझे मोहब्बत है। माशाल्लाह बिल्कुल, बाइक मेरी लाइफ है, बाइक मेरा। देखते रहते थे इस बार भी जो रैली हुई थी उसमें आप सब कार में थे, आप बाइक पे थी। गरीब है ना, गरीब लोग बाइक पे घूमते। गरीब नहीं, फ्रंट पे थे का गरीब है। हाँ बिल्कुल, जो गरीब लोग होते हैं वो हैवी बाइक पे घूमते हैं। ऐसे ही सही बोल रही हूँ ना? बोल रही है बिल्कुल। तो नौशाद मुझे ये बताएं कि फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है आपका? अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अरिशे क्वीन, अरिशे सुमरो। आपका? मेरी भी सेम है, अरिशे सुमरो। असल में वो सिंध को प्रमोट करते, बहुत अच्छी बात है उसकी, सिंध को बंदा प्रमोट करे बहुत अच्छी बात है। और फेवरेट माशाल्लाह आप भी तो अभी टिकटॉक करें। हाँ, तो बिल्कुल आजकल तायरा भी ट्रेंडिंग पे चल रही है माशाल्लाह, फेवरेट है हमारा। करीब लगता है आप भी बहुत ही। अभी तो अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा है, सर्दियां आ गई है ना, अकाउंट भी फ्रीज हो गया। ये अम्मी की वजह से हो जाता है कुछ कुछ। इधर भी अम्मी को बदनाम कर, यहाँ तो मेरी अम्मा को छोड़ दे। अम्मा से प्यार है ना, अम्मा को कैसे छोड़ सकते हैं? अम्मा से प्यार है, अम्मा ने तो बुलाया इधर। तो आपने बुलाया था? हाँ जमील ये कह रहा है अम्मा ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, ये बात हकीकत है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, शो की मालिक आप हैं तो आप। नहीं यार मालिक पहले तो अल्लाह है, मालिक तो वो है जी। बिल्कुल दुनियावी तौर पे आते हैं तो आप है ना, जिन्हें आपने इनवाइट किया और यह आपकी तरफ। हम आए अम्मा की वजह से, आए अम्मा की वेरी अम्मा, ये अम्मा का टॉपिक जाएगा नहीं, बस ये अम्मा की वजह से आया, आप मेरे कहने पे आए। चलो ठीक है, ठीक है डन हो गया। अच्छा निशाद स्टडी के अलावा क्या चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो? स्टडी के अलावा कुछ बिजनेस है जैसे कार का और ऐसे ही कुछ, बस और तो कुछ नहीं है खास। स्टडी क्या की आपने? अभी बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। बीएस इंग्लिश, बैचलर्स इन इंग्लिश। तो कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर स्टार्ट है? पहले एमबीबीएस में था तो एमबीबीएस छोड़ दी बीच में, सेकंड ईयर में था तो फिर उसके बाद नहीं गया तो फिर बीएस इंग्लिश। आप क्या कर रहे हैं? मैंने बीएस एग्रीकल्चर की है बहाउद्दीन ज़ाकिर यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और सिंध से दो डिग्री की हुई है, और सिंध से मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
पढ़ाकू बच्चा है माशाल्लाह जबरदस्त ऐसे होना चाहिए दो दो डिग्रियां ली हुई है माशाल्लाह अच्छी बात है स्टडी जरूर है लेकिन आजकल मैं एक ही बात कहूंगी पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब रुलोगे पिनोगे बनोगे नवाब क्योंकि जो ये असल में ये नवाबों के जो बच्चे होते हैं ना हमारे मेरे पास काफी लोग आए और मैंने स्टडी देखा लोगों के पास डिग्रियां उठाई हुई है नौकरियां नहीं है ऐसा ही है बिल्कुल और जो सरदार वडेरा हमारे सिंध में वो राडो की वाच पहनते हैं वो राडो की बिल्कुल जैसे आपने पहनी हुई है नहीं नहीं वो उनका ये होता है कि वो उनका जो बाप होता है वही फिर उसके उसके ऊपर चल रहे होते हैं ऐसा ही कह रही हूँ ना तो बिल्कुल राइट है खैर आपका फ्यूचर प्लान क्या है जॉब करनी है किसमें करनी है क्या करनी है जी अभी फ्यूचर प्लान यही है डिग्री कम्प्लीट हुई है तो अभी फॉरेन का प्लान है तो मलेशिया क्योंकि बाबा मलेशिया होते थे अच्छा तो उनकी वजह से इस बात पे ये हंस रहा है नहीं हंस नहीं रहा बिल्कुल सही बोल रहा है मलेशिया माशाल्लाह तो अच्छी बात है मलेशिया जाएंगे तो जहाँ हम रहते हैं वो प्लांट मलेशिया का है ना टीएन बिल्बर्टी पावर प्लांट मलेशिया कंपनी है आप कभी गए हैं वर्ल्ड टूर पर मैंने बताया था ना आपको मैं रशिया से पढ़ के आया हूँ आप रशिया से जी अच्छा भाई नौशाद ने स्टडी रशिया से किया लेकिन एमबीबीएस गोल्ड है वो सब सिंधियों वाले हैं सिंधी अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी हैं तो सिंधी वाले होंगे तो प्राउड है इस पे ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है क्योंकि जब एक इंसान अपने मुल्क से बाहर जाता है और वो सब चीजें देख हकीकत बात है मुल्क में आता है तो वो उधर भी बड़ा मिस करते थे अपना मुल्क के लाजमी बात है अपना स्पेशली हैदराबाद को मिस करते हैदराबाद को बिल्कुल सही कह रही है हैदराबाद से आपको मोहब्बत है बड़ी मोहब्बत है बस ये सिर्फ हैदराबाद से ये टॉपिक फिर किसी दिन छेड़ेंगे अच्छा मुझे ये बताएं जमील सरंगी आपको किस शहर से प्यार है जिस शहर में आप कहते हैं कि बस मैं आऊं जाऊं असल में हम पैदा ही डीआरके में हुए हैं बेसिकली तो मैं पंजाब से हूं पर सिंध का खाया है सिंध से बड़े हुए हैं और सिंध से जमे हैं तो सिंधी सरायदा से वो जो सिंध का जो पैसा खाते हैं सिंध पे सारा कुछ सिंध से ही किया हम लोगों ने तो सिंधी तो डहर की बेस्ट ही हमारे लिए वैसे तो इस्लामाबाद बहुत प्यारा शहर है इस्लामाबाद तो ज़ाहिर सी बात है लेकिन इस्लामाबाद में मुझे मज़ा नहीं आता क्या वजह क्योंकि इस्लामाबाद में कहती हूँ शायद वहाँ ट्रैफिक नहीं है जो कराची की ट्रैफिक है ये बात इस्लामाबाद में तो रोडें बनी हैं ये वजह है नहीं है इस्लामाबाद में इस बार मैं गया था तो ट्रैफिक थी अच्छा वो आपको देख के इसके हम जब जाते हैं ना तो वीआईपी मूवमेंट होती है ना वो हटा देते हैं ट्रैफिक को ये हो सकता है तो इस्लामाबाद में कौन से एरिया में आप रह रहे हैं इस टाइम इस्लामाबाद में इस टाइम हम तो मतलब यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल था उधर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल तो वहाँ रह रहे हैं एरिया कौन सा है एरिया छोड़ फेज वन फेज टू होगा हाँ फेज टू था मेरे ख्याल में वो कौन सा तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं देखने वाले नहीं क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट है तो ये बता ओके पर्सनल इश्यूज इसको बड़ा पता है हर चीज भी बेस्ट फ्रेंड है तो इसे पता होगा ना अच्छा नौशाद ये बताओ जिंदगी में फ्यूचर प्लान क्या है बिजनेस कर रहा हूँ यही कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह इसमें सक्सेस और भी और तो कुछ तो पढ़ क्यों रहे हो पढ़ तो पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए एजुकेटेड होना चाहिए लाजमी बात है कुछ तो आना चाहिए ना फिर भी बोलेंगे ऑल को ऑल एजुकेशन तो लाजमी है जब इंसान शादी करता है पहले पीछे वाले यही पूछते हैं कि बेटे की डिग्री कौन सी है वो आपसे बोलते हैं सिर्फ हाँ चले नाजरीन देखते रहें मॉर्निंग शो विद तारा रारा जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे कौन सा गेस्ट मौजूद हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते उनसे भी आपको मिलवाते हैं की वॉचिंग अच्छा नौशाद मुझे ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ज्यादा तो फिश मतलब रिजक को वैसे भी ना नहीं करना चाहिए कुछ भी हो लेकिन क्या ज्यादा फिश खाते हैं हां सब कुछ ही ज्यादा पसंद है साग तो अभी लाजमी बात है साग साग चावलों की रोटी हो देसी मक्खन हो बिल्कुल बिल्कुल इसका तो मजा अपने बिल्कुल सलंगी साहब आप क्या खाते हैं मैं वैसे तो लोग फिश वगैरह बड़े शौक से खाते हैं पर जो मेरी फेवरेट डिश है बहुत सस्ती डिश है वो क्या है आलू तो यार ये तो मेरी भी आलू के चिप्स हो बस डिश यही वीआईपी डिश है मैं किसी दोस्त के घर गया तो उसकी अम्मी ने मेरे लिए ना फिश बना के भेजी अच्छा तो मैंने कहा कि ये ले जाओ वापस तो मैं फिश बहुत कम खाता हूँ तो वापस ले गया मम्मी के पास कहता है कि मेरा दोस्त कोई वेजिटेरियन खाता है तो फिश वगैरह नहीं खाएगा तो उसके अम्मी कहती यार तुम्हारा कौन सा दोस्त आएगा लोग तो बड़े शौक से खाते हैं बीफ हो गया चिकन हो गया फिश तो इधर पार्सल कर देते तुम मुझे कर देते नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे चलो कांटे ज्यादा होते हैं ना फिश में तो ये कांटों को शायद कम पसंद करता है अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है आप अभी हमें शो के बाद फिश खिलाने वाले हैं चले बिल्कुल
बिल्कुल डन है, डन हो गया, डन हो गया। बट कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है गाइस? वो तो आपको पता होगा ना, कराची में तो कराची में बारबेक्यू टुनाइट अच्छा है, तो चलते हैं वहीं पे। अम्मी को साथ लेके चलेंगे, दो दरिया ठीक है, अम्मी को साथ लेके चलेंगे यार, आपकी अम्मी साथ चलेगी, सही है, तो अम्मी को भी खिलाएंगे। बिल्कुल, पहले अम्मी को खिलाएंगे फिर ही आपको खिलाएंगे, सही है। सोलंकी साहब कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है? आप भी कराची आते रहते हैं। दो दरिया पे कबाब जी। कबाब जी, हाँ। ये आप फटीक डाल रहे हैं आज, नशाद खिला रहे हैं। सोच लो, नशाद ने कबूल किया, मुझ पे ये, नशाद ने खुद कबूल किया, खुद ही कबूल किया। चलें ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं। सही है, आप क्या खाएंगे? मैं तो फिश खाऊंगा। बात ये है कि आप इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे, ऐसे तो हम नहीं चलेंगे, हम वो उधर चल के डिसाइड करेंगे क्या खाना है। नहीं ना, अभी लाइव शो में डिसाइड, मतलब वो लाइव है ना, वो अगर ये नहीं खिलाएगा ना तो वो मैं अपने अकाउंट पे अपलोड करके तो दलील कर सकती हूँ। चलो मैं फ्राइड राइस मंगवा लूंगा, फ्राइड राइस मंगवा लेंगे। फ्राइड राइस जी, ओके। इसके अलावा बस यही, इतना सा बिल बनाएंगे और आप चॉइस करें। जाना भी तो है ना यार, लेट हो जाएगी ना, अभी देखो कैसे जाने की पड़ी है। चल मैं, हम आए ना कराची तो इतनी दावतें आ रही हैं सब दोस्तों की। अच्छा आप क्या चाह रहे हैं कि दोस्तों की दावतें आ रही है, मतलब मैं दावत करूं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, कहने का मकसद है कि पेट फुल है, कब से कभी एक से दोस्त अभी आ गया तो दोस्त की साइड पेट फुल है, पेट फुल है। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको खिलाएंगे, फिश खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, कांटों के मतलब साथ ही खिलाएंगे इसको। नहीं नहीं, विदाउट जो कांटों वाली होती है। अच्छा वो विदाउट कांटों वाली, ऑल ऑल कहा था ना आपने अभी, विदाउट कांटों वाली और कांटों वाली है ना यार, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोनलेस? नहीं नहीं, हाँ बोनलेस तो नहीं होगा ना यार, वो होगा स्टीम फिश, स्टीम, हाँ वो विदाउट कांटो वाली होगा यार, ये भी अच्छा था विदाउट कांटो वाली, हाँ ये सही था। बाबा साई, हम साई सिंधी हैं, हम सिंधी लोग हैं, हम साई लोग हैं, हम विदाउट कांटो वाली फिश खाते हैं ये कंटेंट मिल गया, अभी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, साथ फिश का कांटे होंगे, हाँ और साथ इसको वायरल करेंगे, डन हो गया, सही है सोलंकी साहब, ओके करें आप। कलर ड्रेस का कौन सा फेवरेट है? मेरा ब्लैक और नेवी ब्लू। आपका? ब्लैक, मोहब्बत है मुझे ब्लैक से। क्यों मोहब्बत है, वो रंग नहीं बदलता बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला था जो आपने कह दी वो मेरे मुंह से निकल गई ना, ये मेरी दिल की बात आपने की, तभी तो मेरे शो पे ऑलमोस्ट ब्लैक ड्रेसेस वेयर करती हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, आज भी हाँ लगता है आपका भी फेवरेट ब्लैक ही है। एग्जैक्टली, मेरे घर में ब्लैक ही सूट है सारे। सही बात है माशाल्लाह, ओके हो गया। कुछ और भी पहना करें? हाँ ये जूते भी ब्लैक पहनती हूँ लेकिन आज व्हाइट है। और क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी? भूल गई। हाँ यार आज जो है ना शो, असल में भूलने वाला नहीं है, शो पे बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे नुशाद से। नुशाद जो है जब आउट ऑफ कंट्री गया वहाँ पे स्टडी के लिए, तो वापस पाकिस्तान क्यों आया? क्योंकि लोग वहाँ पे जाते हैं पढ़ने और जॉब्स करने के लिए। बिल्कुल, मैं गया था उधर दो साल, मैंने तकरीबन सेकंड ईयर में था MBBS में इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हुआ यूँ कि कोरोना की वजह से तो सबको आना ही पड़ा था, तो पाकिस्तान वापस आए और इमरान खान जब था तो इमरान खान साहब ने बोला कि हमारे इधर पाकिस्तान में स्टूडेंट पढ़े मेडिकल के और बाहर क्यों जाते, तो इस वजह से ब्लैक लिस्ट कर दी यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो मेरे अबू ने फिर वापस नहीं छोड़ा, तो फिर मैंने BS में इंग्लिश में एडमिशन ले ली। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड जमील। इसके अलावा और कोई नहीं? इसके अलावा बहुत हैं, इसके अलावा बहुत हैं, सैफ रहमान है, हिजबुल्ला बलोच है। सबके नाम ले रहे हो, पता है अगर मैं शो करके गया नाम नहीं लिए वहीं पकड़ के मारेंगे मुझे। और कोई? एक तो था जो चला गया अभी, वकास। वकास वो जूस पीने गया, जूस पीने गया, प्यास लगी थी, आपने पिलाया नहीं आप शो पे मंगवाते हैं जूस पिलाते नहीं है ना, पानी पिलाते हैं। हम बात करेंगे सीधी, पानी पिलाया वो भी आधा ग्लास यार दे रही हूँ तुम, बेइज्जती तो ना करो यार, पानी भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, जूस खिलाते हैं, मगर फिश खिलाते नहीं है, जूस पिलाते हैं, खाएंगे नहीं वो तो डन हो गया, खाएंगे नहीं हम, पिएंगे, बात सीधी फिश तो खिला रहे वो तो डन हो गई, ये कमिटमेंट से ये पता है ऊपर से दबा रहा है कि मैं ना खाने का नाम लूं तो मेरी फिश वाली बात जाया हो जाए, वो मैं खाऊंगी, वो तो हर हाल में खाऊंगी, बिल्कुल मैं आपको खिलाऊंगा, खिलाऊंगा गा नहीं, अभी अभी बस ये शो करके ये लंच करेंगे, डन हो गया, लंच नहीं डिनर होगा ना, नहीं नहीं लंच होगा, मॉर्निंग शो है ना, 6 बजे मॉर्निंग शो है, तो अभी हम लंच करेंगे, ठीक हो गया, सही है सोलंकी साहब, डन हो गया, डन बस डन हो गया है भाई, हमें दें इजाजत क्योंकि जल्दी जाना है, हमने फिश खानी है, नुशाद बलोच आज विदाउट कांटों वाली फिश खिला रहा है और सोलंकी साहब भी फ्राइड राइस और सोच लें दिमाग में, अगर लाइव बोलना है तो वो मुकरेगा नहीं, बताएं बताएं आप कुछ बता दें और कुछ खिलाना, नहीं वो उधर चल के डिसाइड करेंगे नुशाद साहब, नहीं फिर भी आप इसको बता दें कुछ खाना हो तो, नहीं बस उधर चलेंगे तो इंशाल्लाह। वैसे बात असल ये थी कि हम आपके पास आए थे गेस्ट बनके, तो आपको खिलाना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं, सिंधी मानो हूं
बस ठीक है, ओके डन हो गया। तो गाइस नुशाद बलोच क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली अपने जो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी को, अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, अपने देखने वालों को? सब खुश रहो, आबाद रहो, मौला सब इनके आबाद करे। और एक जलने वालों को क्या मैसेज देंगे जो हेटर्स हैं? वो आजकल वो चल रहा है ना, वो क्या टिकटॉक पे चल रहा है जो यार भूल गया मैं, हाँ फारू पे, अपने जी जिंदगी में इतना खुश रहो जो डिसरवान के डिसरवान वाला ही सड़ी हो जन इतना खुश हुआ। हाँ इतना खुश हुआ। हाँ यो यो इतना क्या मैसेज देंगे सर? मेरा मैसेज ये है कि हमेशा ज़िंदगी में बंदे का इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। जो इखलाक है ना, ये इंसान को अर्श से फर्श तक ले जाता है। तो इखलाक इंसान का जो होता है ना। कैसा लगा शो पे आके मिलकर? बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत प्यारा शो है। तो आप ऐसे ही शो बनाती रहें, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आमीन। कैसा लगा शो पे आके? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ओके गाइज, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। नवाब शाह से बिलोंग करते हैं, पता है ना आपको? नवाब शाह वालों के लिए मेरी तरफ से, तारा दादा की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। डहर की तो मेरा अपना सिटी है उबाड़ो, उनके लिए बहुत सारा प्यार, उनको तो हमेशा मैं गाँव में याद रखती हूँ। मुझे भी रखें दुआ में याद, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।